फैमिली के लिए एक गनर अलग से दे दिया है और यहाँ की सिक्योरिटी मैं एनहांस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी यहाँ पे पहले से सब इंस्पेक्टर और चार सिपाही थे लेकिन अब उसी को और मैं एनहांस कर रहा हूँ। पेट्रोलिंग आई एम पुटिंग अ पीसीआर वैन राउंड द क्लॉक हियर एंड द एंटायर एरिया वुड बी पुट ऑन बैरिकेड्स। एवरीबडी एंटरिंग दिस सोसाइटी वुड बी फ्रिज्ड एंड चेक्ड एंड देन ओनली अलाउड इन। थैंक यू। पूछिए उनके कमिश्नर से, मैंने जब लखुमार को फोन किया जब रणवीर को तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शर्मिंदगी देखेंगे, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं परिवार से मिला और वह अपनी सुरक्षा को लेकर जो चिंतित थे तो उसको, उनकी उस चिंता को दूर करते हुए अभी तुरंत ही सुरक्षा उनको उपलब्ध हो जाए, 24 घंटे सुरक्षा रहे घर पर भी, और कहीं वो कम्यूट करते हैं आते जाते हैं तब भी उनके साथ सुरक्षा उपलब्ध रहेगी, ऐसे गनर्स उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं अभी से ही। यहाँ सोसाइटी की भी चारों तरफ से जो दोनों गेट हैं उसके ऊपर चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर रहेंगे, सरप्राइज चेकिंग भी राउंड अबाउट्स पे और चारों तरफ यहाँ पर रहेगी, तो ये सब हो रहा है। और जहाँ तक रही जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जो कि अपने आप में नज़ीर बनेगी और जल्दी ही बहुत आप लोगों को तुरंत दिखाई भी देने लगेगा। All right, we are now joined by Anurag Bhadauria, who is from the SP, and he is essentially going to be giving us his perspective on this entire situation as well. Mr. Bhadauria, thank you so much for joining us. आपका पहला reaction क्या है इस situation का? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है। जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद उनके लोग वहाँ पे जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, और वहाँ का सांसद ये कह रहा है कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जहाँ पे सांसद असहाय फील कर रहा हो, सांसद की कोई नहीं सुनता हो, जो मंत्री रहा हो, तो आम जनता की कौन सुनेगा? यहाँ पे माफिया राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये हाल तब है जब इतनी हाईलाइटेड न्यूज है, पूरे मीडिया में 2 दिन से न्यूज चल रही थी, उसके बाद वो व्यक्ति के लोग जाते हैं धमकाने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी, आम जनता कैसे सदमे में जीती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर इतनी इतनी बड़ी घटना हो गई, इसमें तो नोएडा की पुलिस वालों को तो हटा के फेंक देना चाहिए, नोएडा पुलिस कमिश्नर रहने लायक नहीं है। जिस व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है पूरी तरह से, पुलिस पूरी तरह से लिप्त है इन सब भ्रष्टाचारों में। तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार को, जो इनके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें एक सेकेंड भी नोएडा में रहना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो रही है, पुलिस कमिश्नर कभी सामने नहीं आया आज तक। पुलिस कमिश्नर है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने वहाँ पे, ऐसा पुलिस कमिश्नर होता है? विधायक घूम रहा है वहाँ पे आके, सांसद हल्ला मचा रहा है, वो कमिश्नर को ना फोन करके सीधा फोन होम सेक्रेटरी को कर रहा है, उसे कमिश्नर पे यकीन नहीं, तभी तो नहीं कर रहा है ना वो। आपने देखा किस तरह से होम सेक्रेटरी से बात कर रहा है वहाँ का सांसद, कि वो उसको पता है कि पुलिस कमिश्नर यह सुनने वाला नहीं है। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की कि जब इतने विधायक और सांसद अपने आप को असहाय महसूस करते हो, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई नहीं सुनता है, तो फिर आम जनता की हालत क्या होगी आप अच्छी तरह जान सकते हैं। मिस्टर भदौरिया, वो नोएडा पुलिस अभी श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट तो लगा रहे है, और एक और चीज पूछना था आपसे, बीजेपी कह रहे कि श्रीकांत त्यागी उसकी पार्टी में नहीं है, वो उसने क्लेम्स रिफ्यूट किया है कि वो एक बीजेपी लीडर है, तो आपके राय क्या है इस स्टेटमेंट पर? ये बीजेपी का नेता है, सभी इस बात को जानते हैं, सभी पूरे आपने देखा पूरा सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है। अब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, और बीजेपी के नेता इस तरह की आतंक मचा रहे हैं, और ये घटना नहीं है, न जाने लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं। इनके मंत्री कोर्ट से अपनी सजा की फाइल लेके भाग जाते हैं, ऐसा आपने कभी देखा कि मिनिस्टर अपनी फाइल लेके भाग गया? सोचो आप, एक तरफ मिनिस्टर फाइल लेके भाग जाता है, दूसरी तरफ मिनिस्टर का बेटा 4 लोगों को रौंद देता है, एक तरफ उनके जो बीजेपी के नेता है वो महिलाओं को गाली दे रहे हैं, कई महिलाओं का चीरण। सरकार है कि जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर में, हिस्ट्री सीटर भाग जाते हैं पुलिस कस्टडी से,
तो हिस्ट्री से तो इसीलिए भागते होंगे ना, जिस तरह की घटना आपने देखी श्रीकांत त्यागी के यहाँ पे लोग धमकाने को पहुंच जाते हैं और वो पुलिस वाले खुद ही वहाँ के उन सोसाइटी के लोगों को पीट रहे हैं। कमाल की पुलिस है भाई, जैसा मैं सुन रहा था जब वो बोल रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने कहा ना आपसे, एक माफिया राज यहाँ पे, भू माफियाओं का राज, नकल माफियाओं का राज, गुंडों का राज चल रहा है, जिसको जंगल राज कहते हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। ये है गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, इनके नेता ही गुंडे हैं तो छोड़ छोड़ के कौन चला गया? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही गुंडे हैं तो कौन गुंडा छोड़ के चला गया? इसलिए कहते हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। All right, Mr. Bhadauria, thank you so much for joining us and giving us your perspective on this entire matter. And I'm also going to be crossing back over to my colleague, Pranshu Mishra, to give us more details on this. He's also our Uttar Pradesh Bureau Chief. Pranshu, you were earlier mentioning that Srikant Tyagi is on the run. What other details do we have about Srikant Tyagi's location? Well, the location that is clearly is to be, traced by the UP police. What we can tell is that the UP police is clearly now after this message of taking action came in from the top. Now the Noida police is clearly not trying to bail out Srikant Tyagi, it is trying to apprehend him. And as the Samajwadi Party leader was just saying, see, why it is becoming an embarrassment is that for BJP, the entire political plank, the electoral plank against the opposition like Samajwadi Party has been the lawlessness and the anarchy of the Samajwadi Party cadres. So anyone like Srikant Tyagi can apparently be a reason of tainting the BJP in same light where even the BJP's cadre is not humble, is not humane, is indulging in lawlessness, is indulging in atrocious acts. And that's the reason why BJP UBC is suddenly on a bit of defensive and opposition is mounting the offensive, because for opposition, it is an opportunity to try and project the picture that even BJP has such tainted leaders who are involved into, atrocious acts, crime against women. And therefore, it has become a big sensitive political point in Uttar Pradesh. Now, Yogi Adityanath's government chief minister himself, we have been informed that has ordered for strictest action against Srikant Tyagi, and that's the reason why since yesterday night we are seeing UP police getting hot on heels for Srikant Tyagi. 6 to 7 people associated with him, they have been arrested. His family members, including wife, has also been taken in detention. And there is also the gangster act that has been slapped against Srikant Tyagi, and authorities say that very soon they'll be in a position to apprehend and arrest Srikant Tyagi. All right, Pranshu, stay with us because we're also joined in by Anil Dubey, who is essentially a spokesperson of the RLD. Now, Mr. Dubey, thank you so much for joining us. Aapka is situation par pehla reaction kya hai? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, इन्होंने जिस तरह की अभद्रता की ये बहुत ही गलत है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे ये संदेश जाए। सिर्फ ये कह देने से कि ये भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं है, ये हमारी पार्टी में नहीं रहा है, वो तस्वीरें बता रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कितने करीब रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अभी हमने एक SP का लीडर से बात किया है, वो कह रहे थे कि UP में गुंडा राज है, माफिया राज है, अब इस स्टेटमेंट पे क्या राय है? नहीं, अब ये तो दिखाई पड़ रहा है कि गुंडा राज है, जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में गुंडा राज है, तो गुंडा राज कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के करीबी लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय है। एक हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह की घटना की गई, इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां भी सूचनाएं आ रही है, कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी को पीट रहा है, कहीं कोई जो है महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है, तो ये तो देखने की बात है कि सरकार का संरक्षण किधर है। All right, Mr. Dubey, thank you so much for joining us and giving us your perspective. Now, with this, we're heading into a very short break, but continue to stay with us.